गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पाठ्य पुस्तक का पाठ एक कविता जीवन में ही प्रकाश करता है। ये कविता बेटे गोपाल दास नीरज द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि हमें कभी भी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। तो आज हम इसके सरलात करेंगे बेटे। छिप छिप अश्रु होता है आंसू, बहाने वालों मोती व्यर्थ उतारने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इसमें गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि असफलता से निराश लोगों से कहते हैं कि सफलता ना मिलने पर रो रो कर मोती रूपी आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। अश्रु मैंने आंसू, कुछ नहीं होगा। एक असफलता से जीवन नष्ट नहीं हो जाता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। मतलब अगर हमें कहीं पे असफलता मिली है तो उससे हमारा जीवन नष्ट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट देखो, सपना क्या है नैन, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जू जागे कच्ची नींद जवानी। हमारे जीवन के सपने आंख की सेज पर सोए आंसू के समान है। जिस तरह किसी कारण से हमें नींद अधूरी छोड़कर उठना पड़ता है और हमारी नींद भंग हो जाती है, उसी प्रकार कुछ सपने भी अचानक टूट जाते हैं, तो उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों में गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि जिन लोगों पर कभी मुसीबत ही नहीं आई, उन लोगों को मुसीबतों का क्या ज्ञान है। ये तो तुम्हें पता ही है बेटा, करत करत अभ्यास के जन्मति होता है। अगर हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं तभी हम परफेक्ट होते हैं। तो जिस मनुष्य पर मुसीबत ही नहीं आई तो उसे मुसीबतों का क्या ज्ञान। अगर मनुष्य का कुछ जीवन में खो जाता है, अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो उसको उसका लेने का भी अधिकार है। अगर जीवन में हमारा कुछ खो जाता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सब कुछ ही नष्ट हो गया। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि सागर से अगर कुछ पानी कम हो जाता है तो सागर ये तो ना सोचता है कि मैं बिल्कुल ही तबाह हो गया हूँ, सागर ही खत्म तो ना हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को मुसीबतों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये तीन सलाह तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना और समझना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।